चलिए बात करते हैं अगले खबर की। तो बुरहानपुर जिले के नेपानगर तहसील अंतर्गत डवाली खुर्द में एक किसान द्वारा जमीन की नपती करवाकर अपनी जमीन बताई जा रही है, बल्कि उक्त जमीन शिकायतकर्ता जितेंद्र की पत्नी के नाम से दर्ज है और उस जमीन पर अन्य किसान भी निवासरत हैं। फिर भी जबरन नपती करवाकर एक ही दिन में पंचनामा बनाकर और नोटिस दिया गया था, जिसके शिकायत लेकर ग्रामीण किसानों द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर से शिकायत की और पटवारी तहसीलदार पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। जो यहाँ पर कृषक उपस्थित है, हम ग्राम डवाली खुर्द में हमारी जमीन है, हमारे पड़ोसी कृषक द्वारा हमारी भूमि पर हमारा अवैध कब्जा बताया जा रहा है, जबकि उस भूमि को हम लोग लगभग, मुझे उस भूमि को खरीदी करने के लिए 15 वर्ष हो गए और ये जो आदिवासी भाई है इनको वहाँ रहते हुए 30 साल हो गए, उसी भूमि पर इनको प्रधानमंत्री आवास भी आवंटित हो चुके हैं। तो इनके प्रत्येक व्यक्ति के लगभग 10 से 15 प्रधानमंत्री आवास उस भूमि पर बने हुए हैं और बार बार, कम से कम लगभग 6वीं बार उस किसान द्वारा नपती की जा रही है और यहाँ पर के कुछ हराई पटवारी भी उसमें शामिल है, इसी हमको शंका है, क्योंकि नपती करने जब वो आते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, उनके हिसाब से चारों कोने घुमा के बस एक साइड की उसको दिशा दिखा दी जाती है कि यहाँ तक तुम्हारी जमीन है, पंचनामा बना लिया जाता है। और इसी तारतम्य में पिछली बार उनकी नपती खारिज भी कर चुके थे तहसीलदार महोदय, क्योंकि उन्होंने आजू बाजू के सभी किसानों को इनको नोटिस नहीं जारी करते और एक दो किसान को नोटिस जारी करके नपती की जाती है। इस बार भी नपती करी तो भरी बारिश में, जबकि 30 जून को नपती बंद हो जाती थी, भरी बारिश में छाता लगाकर उन्होंने नपती की गई और उनके तरीके से नपती की करके पंचनामा बनाकर 1 तारीख को 4 बजे तक नपती चली और 23 तारीख को ही शाम में नोटिस जारी हो गया वहाँ से कि प्रकरण पंजीबद्ध भी हो गया, उसकी नकल भी निकल गई और 30 तारीख हमको दे दी गई। आप क्या चाहते हैं उसकी पुष्टि के लिए? तो सबसे पहले तो इसकी जांच की जाए कि ये कैसे क्या हुआ, मतलब एक ही दिन में नपती भी हो गई, उसकी पुष्टि के लिए प्रकरण दर्ज भी हो गया और इस संबंध में तहसीलदार महोदय का कहना है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है कि मेरे कोर्ट से इस प्रकार का कोई नोटिस जारी हुआ।